अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूँ आज के लेक्चर के अंदर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम इस वक्त जो सिलेबस है, ठीक है, उसके एतबार से पहुँच चुके हैं मिडिल, यानी ऑलमोस्ट एंडिंग ऑफ चैप्टर वन, ठीक है। और मैं आप लोगों को थोड़े से न्यूमेरिकल, मतलब मैंने कल आप लोगों को करवाए थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, कुछ मैंने आप लोगों को बताए थे, ठीक है। मोलर वॉल्यूम के हवाले से हमने कुछ प्रैक्टिस की थी, ठीक है। आज भी हम उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे ताकि आप लोगों की थोड़ी सी ग्रिप जो है वो बढ़ जाए उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, उस तरह के न्यूमेरिकल्स को जो है अच्छे से जो है प्रिपेयर करने के लिए, अच्छे तरीके से जो है उसको करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर हम उससे आगे चलेंगे, उससे ऑनवर्ड हम मूव करेंगे, ठीक है। सो देखो, मैंने आपको बताया था मोलर वॉल्यूम का मतलब बेसिक तौर पे क्या होता है, ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए। कल हमने डिफाइन किया था मोलर वॉल्यूम को, ठीक है। कैसे डिफाइन करते हैं, आपने देखा था कि जब भी हमारे पास कोई एक कंपाउंड जो है वो वन मोल हो, ठीक है, जब भी हमारे पास कंपाउंड क्या हो, वन मोल क्वांटिटी के अंदर मौजूद हो, तो फिर इस तरह के क्वांटिटी कैरी करने वाले सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होता है, इट विल बी द मोलर वॉल्यूम एंड विच विल बी द कितना होगा वो, यानी कितना वो ऑक्यूपाई करेगा। हम ये बात कहते हैं कि वो 22.414 dm³ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अच्छा, मैंने कल आप लोगों को इस हवाले से बता दिया था, ठीक है, MCQ सॉल्व करते हैं, प्लीज़ इट्स कंफ्यूजिंग सर, एक MCQ सॉल्व कर दें, हाजरा कह रही हैं, ठीक है जी, हाजरा MCQ सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, एक मैंने आप लोगों को कल एक बात बताई थी, मतलब एक क्या कहते हैं समहाउ आपको तरीका का बता दिया था जिसके थ्रू आपने फ़ी जो है अपनी सबमिट करवानी है, आप फ़ी सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। कि आपको, मतलब आपको एक नंबर भी मैंने प्रोवाइड किया था कि आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और उसके उनसे जो है इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं इस हवाले से, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये बात कही थी कि आप लोगों के लिए जो है एक कैरियर काउंसलिंग सेशन भी जो है हम मतलब आज करेंगे 7 बजे, तो आप लोगों की जो है शाम में, यानी 7 बजे फिर आपसे जो है मेरी मुलाकात होगी, जिसमें कि हम फर्दर मतलब कुछ आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे कि आप लोग FSC के बाद या ICS के बाद आप लोगों के लिए कौन कौन सी ऑप्शंस खुले हुए हैं, ठीक है, आप किस किस यूनिवर्सिटी में कैसे जो है अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसका प्रोसीजर है, मेरिट क्या है, और मेरिट के साथ साथ उसकी फ़ी क्या है, ठीक है। ये तमाम ऑप्शंस आपको, मतलब तमाम इन्फॉर्मेशन आपको जो है शाम के सेशन में मिल जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं, जैसे कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताया था कि इस हवाले से कि जो है ना अभी हम थोड़े न्यूमेरिकल्स करेंगे और न्यूमेरिकल्स के साथ जो है मैं आप लोगों को कुछ मतलब इन टच रखूंगा ताकि आपको समझ आ जाए किस तरीके से जो है आपने इनको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था कि देखो, जब भी आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो, वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस कैलकुलेट करना हो एट STP कंडीशन, तो आप करते क्या है कि आप सिंपली नंबर ऑफ मोल्स को, किसी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं विद 22.414, ठीक है, 22.414 dm³ आप जो है क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू आप किसी भी गिवन सब्सटेंस का जो वॉल्यूम है, ठीक है, जो वो ऑक्यूपाई करेगा एट STP कंडीशन। STP कंडीशन का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, ठीक है। जब भी वो इन कंडीशंस के अंडर वो क्या करेगा, भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो आप उस सब्सटेंस का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट हो चुका है अरीबा और काफ़ी देर हो चुकी है, अब तो जो है हम जो कुछ भी पढ़ रहे थे अब थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं। दोबारा रिपीट करते हैं, देखो लाइबा, मैंने आपको जस्ट अभी तक ये बताया है कि अगर हमारे पास क्या हो, कोई एक सब्सटेंस उसकी क्वांटिटी 1 मोल हो, ठीक है, तो हम कहते हैं 22.414 dm³ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, इसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। एक और चीज़ मैंने आपको जो कन्वे की, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, वो ये है कि अगर आपने किसी गिवन सब्सटेंस के वॉल्यूम को कैलकुलेट करना हो, तो आप उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करते हो विद द नंबर, यानी कि 22.414 dm³। इससे आपके पास जो आएगा वॉल्यूम, ये वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, इट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस एज STP कंडीशन, ठीक है। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं और इसके बाद फिर आगे मूव करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास ये 10 ग्राम्स ऑफ CO2 है, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि जी पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर दें, और फिर मैं आपसे कहता हूं कि इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, और फिर मैं आपसे कहता हूं कि जी इन पार्टिकल्स और इन मोल्स की बेस पर आप इसका वॉल्यूम जो है वो बता दें, ठीक है। तो आपने किस तरह से इसको निकालना है, क्या सीक्वेंस फॉलो करना है, ये हम बेसिक तौर पे देखेंगे, ठीक है। आइडल गैस क्या होती है,
तो वो हम चैप्टर नंबर 3 में जाके डिस्कस करेंगे। मिनाहिल, हमने ऑलरेडी अपनी स्पीड से, ये जो यूजुअल स्पीड होती है, इसे बहुत स्लो बोल रहा हूँ। आई थिंक अब तो कंपेटेबल हो जाना चाहिए आप लोगों को मेरी स्पीड के साथ, ठीक है। अब करना क्या है, मैंने आपको मोल्स कैलकुलेट करने का फार्मूला ऑलरेडी बताया हुआ था, ठीक है, कि जो भी आपके पास गिवन मैस होता है किसी भी एक कंपाउंड का, आप उसको डिवाइड करते हो विद द मॉलिक्यूलर मैस। मॉलिक्यूलर मैस किस तरीके से निकालते हैं, जो भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम्स होते हैं, ठीक है, उन एटम्स के एटॉमिक मैसेस का आप सम कर लेते हो। जैसे कि कार्बन है, इसका एटॉमिक मैस 12 है, ऑक्सीजन की बात हम करते हैं तो इसका एटॉमिक मैस 16 है, और चूंकि दो ऑक्सीजन एटम्स हैं तो हम 16 टूज आर करेंगे तो ये हो जाएगा 32 प्लस 12 एंड इट विल गिव अस 44, ठीक है। सो इट मींस के हम 10 को डिवाइड करेंगे विद 44, ठीक है, और इसके बाद इसको हम फर्दर सॉल्व करते हुए, सिंप्लीफाई करते हुए, जैसे 10 वन्स आर 10, 10 फोर्स आर 40 होता है, ये बन गया 1/4, और 1/4 क्या होता है, ये 0.25 होता है, ठीक है जी। सो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं किस चीज के, कार्बन डाइऑक्साइड के। अब इन नंबर ऑफ मोल्स को इस्तेमाल करते हुए एट एसटीपी कंडीशन वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो वो कैलकुलेट करते हैं। इसी तरीके से आप इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा क्वेश्चन वो नहीं है, हमें जस्ट वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो वॉल्यूम इक्वल्स टू 0.25 इंटू 22.414 dm³, ठीक है जी। सो ये हमारे पास बनेगा, और अगर आप जो है 0.25 को मल्टीप्लाई करते हो विथ 22.414 के साथ, ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या होगा कि जो है 22 यहाँ पर एक बिल्कुल एग्जैक्टली आपने बहुत अच्छा दानिश किया, मुझे ज़रा बता दिया, क्योंकि मैं 44 कैलकुलेट कर रहा हूँ तो 44 ही आएगा, ठीक है, और जब 44 से कैंसिलेशन करेंगे तो इतनी सिंपल नहीं है कैलकुलेशन, ठीक है जी। हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा किस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपने ठीक किया, 2 5s are 10 होता है, 2 2s are और ये 2 2s are हो जाएगा, ठीक है, मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो हमारे पास यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो 5/22 आएगा, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, वो डिवाइड कर लेते हैं, 5 अंदर रखते हैं, 22 बाहर रखते हैं, पॉइंट लगाएंगे, 0 लग जाएगा, 22 2s are 44 होता है, 6 बच जाएगा, ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है, 0 का इजाफा कर दिया, ठीक है, 22 2s are ये कर सकते हैं, 22 3s are अगर आप करते हैं तो वो 66 बनता है। सो 22 2s are हम लिखेंगे, हमारे पास क्या आएगा, अगर आप 22 2s are करते हैं तो ये 44 बनता है, और अब आपके पास जो चीज़ बच रही है वो 16 है, ठीक है जी, 16 बचेगा, तो इट मीन्स कि ये चलता रहेगा। मतलब हम समहाउ कह सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो अराउंड होंगे 0.23, ठीक है, 0.23 हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी 0.227 है, हमने इसको अप्रॉक्सीमेट कर लिया, 0.23 हम कहते हैं कि हमारे पास ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब करेंगे क्या कि 0.23 को मल्टीप्लाई करेंगे विद दिस नंबर, और इसके थ्रू आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा, जो कि वॉल्यूम है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, व्हेन वी हैव 10 ग्राम्स एट एसटीपी कंडीशन, ठीक है। तो जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करके भी जो है इसका रिजल्ट देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होगा, फिर एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगा, आप सॉल्व करेंगे और फिर हम वापस आएंगे अपने टॉपिक पे और नेक्स्ट मूव करेंगे इससे आगे, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करते हैं, हो चुके हैं एक दूसरे के साथ हम, इस वक्त मेरी आवाज़ आपको आ रही है। देखो, मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास अगर 10 ग्राम्स हो कार्बन डाइऑक्साइड के, तो आप इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपको चाहिए इसका मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है कि आप तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेस को सम करते हैं। सो 12 16 2s are 32 होता है, 32 को हम 12 के अंदर ऐड करते हैं तो 44 आता है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/20 होगा, 22 होगा, इसको हम अगर डिवाइड कर लेते हैं, आपको डिवीजन के थ्रू दिखाया था, तो हमारे पास 0.23 आता है, ठीक हो गया। उसके बाद फिर क्या है जी, आपने नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना है विद द 22.414, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। आपने कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ लें, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो क्लियर करें, उसके बाद फिर हम आगे चल सकते हैं। आप लोगों के लिए आवाज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी क्योंकि हमने यहाँ से सिस्टम को ऑन कर दिया है, ठीक है। जल्दी से बताएं अगर आपने कुछ कंफ्यूज, मतलब आपने कुछ शेयर करना है तो आप मुझसे शेयर करें ताकि हम आगे मूव कर सकें। जी, कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से क्लियर कर लें ताकि हम फिर जो है वो क्लियर कर सकें, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। प्लीज़ उबेर को ब्लॉक कर दें, ठीक है जी, हम देख लेते हैं इसको। जल्दी से कोई मसला होता बता दें। डेसिमल डेसिमल इज इक्वल टू सेंटीमीटर्स, देखो आप
अपने जो है यूनिट को चेंज कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं। वैसे मैं आपको नॉर्मली तौर पे हम जब कोई एक वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो वो डी एन क्यूब के अंदर होता है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में नहीं होता। सर बुक वाले एग्जाम्पल करवाना है, देखें मैंने बुक वाली एग्जाम्पल भी करवानी है, लेकिन जस्ट को जस्टिफाई करने के लिए कि कैसे आप अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, मैंने वो आपको बता दिया, ठीक। अब एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूंगा, आप जल्दी से उसको देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद मैथ्स इफेक्ट कह रहे थे आप भी, क्या था सर, क्या मैथ्स इफेक्ट करेगा वॉल्यूम पे? एग्जैक्टली अगर आप मैथ्स बढ़ाते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड का ओवरऑल जो नंबर ऑफ मोल्स उसके आने हैं वो बढ़ जाएंगे, और अगर किसी कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो तो हम कहते हैं कि उसका फिर वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। कह रहे कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल आज होना है और आज जो है हम उसको जरूर करेंगे, ठीक है, आपने जरूर ज्वाइन करना है 7 बजे। सर एक बार सारा दोबारा बता दें, चलें जी दोबारा जल्दी से ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आप लोगों को। मैंने आपसे कहा था कि जो रैम हमारे पास अगर एक कंपाउंड हो तो आप इस मैस को यूटिलाइज करते हुए क्या करते हो कि आप ओवरऑल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हो इस सब्सटेंस के अंदर। यानी कि जो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है। जब आप मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हैं तो उसके बाद आप उसको गिवन मैस को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है। नंबर ऑफ मोल्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं विद द 22.414 डी एन क्यूब, इसके थ्रू आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर आपका क्वेश्चन था कि जो है कैलकुलेटर अलाउ है या नहीं है, तो कैलकुलेटर आपके लिए अलाउ होता है फॉर बोर्ड, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको आगे देखते हो जैसे कि आपने जो है आगे जाके एटी टेस्ट देना है तो उसमें जो है आप कहते हैं कि अलाउ नहीं होता। हाजरा आप मुझसे क्वेश्चन शेयर कर लें ताकि मैं आपके लिए क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकूँ, मुझे अभी तक आपका कोई क्वेश्चन नहीं मिला, ठीक है भी। अच्छा इकरा कह रही है इंस्टॉलमेंट में फ़ी जमा हो सकती है, भैया आपको उस नंबर से कॉन्टैक्ट करके पूछना पड़ेगा, मुझे रतन इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। सो मैं अब आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा और उसके बाद फिर जो है हम आगे चलेंगे, और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा जो आपकी बुक का हिस्सा है, ठीक है। जल्दी से एक लास्ट छोटा सा एक जो है हम एक एक्सरसाइज की तरह से कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, वो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगर मैं आप लोगों को देता हूं भाई 42 grams ऑफ कार्बन, ठीक है, आप इसके नंबर ऑफ मोल्स बताएं मुझे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इसके क्या हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट करके देना है मुझे, और इसके साथ साथ आपने इसका वॉल्यूम भी मुझे बताना है कि वॉल्यूम कितना होगा इसका, ठीक है। आप इसके नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम जल्दी से बता दें कि जो है यानी क्या होगा, ठीक है, जल्दी से आपने इसके वॉल्यूम को और नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है। ये आपको ऊपर ऊपर दिया ना अभी, ये नंबर वही है, ठीक है। अच्छा सर क्या 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 हुआ था भी सर, क्या के बी वॉल्यूम जानने के लिए 22.414 को मल्टीप्लाई किया? अभी देखो जब भी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हों और हमसे कहा जाए कि इसके थ्रू आपने करना ये है कि आपने जो है इसके थ्रू फाइनल जो भी वॉल्यूम आता है वो कैलकुलेट करना है, तो वो उसके 22.414 को मल्टीप्लाई करने से ही आएगा नंबर ऑफ मोल्स के, ठीक है जी। जल्दी से बताएं कि इसके मोल्स कितने हैं और इसका वॉल्यूम कितना होगा, कह रहे भी 3.5, अब ये बता चलेगा, आप जरा एक दफा देख लें जल्दी से इसको सॉल्व करें। जी जी सिद्धरा क्वेश्चन पूछें, बताएं ना अभी क्या कहना चाहती हैं आप, और जल्दी से इसके नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम कैलकुलेट करें। देखो कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हमें, मैनुअली तौर पे जो है चीजों को डील करना चाहिए, मैनुअली तौर पे हमें जो है कैलकुलेट करना चाहिए। मैस ऑफ सैंपल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड कंटेनिंग 12.04 इंटरेस्ट पर 23 नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस। आप करेंगे ये कि आपने जो है ये जो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखें, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास मौजूद हैं, ठीक है, थीके? आपने इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के थ्रू सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था आजरा, ठीक है। जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे तो आप नंबर ऑफ मोल्स को जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे विद द मॉलिक्यूलर मैस, यूनिट मैस, ठीक है, और इससे आपके पास मैस आ जाएगा, ठीक है। अब पहले तो आप इसका आंसर दें कि इसका आंसर क्या बनता है, ठीक है, कार्बन के अगर 42 ग्राम्स हो सो व्हाट विल हैपन, यानी व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स एंड द वॉल्यूम, ठीक है जी। रमीज क्या कह रहे हैं आप, इस तरीके से बताएंगे तो फिर मुझे कुछ समझ आने वाली नहीं, तो फिर क्या समझ आने वाली है, ठीक है, जल्दी से बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप। जी तो आप लोगों ने इसे कैलकुलेट कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जो है कैलकुलेट आसानी से कर लेते हैं।
बिल्कुल, देखो मैं आपको बताऊँ नंबर ऑफ मोस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मला आपको ऑलरेडी पता भी है, आपको बताया भी था ऑलरेडी, ठीक है। करना क्या था सिंपली तौर पे आपने कि जो गिवन मैस था आपका, जैसे 42 आपके पास गिवन मैस था, एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन क्या होता है आप ये बात जानते हैं कि एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन जो है ये होता है 12, ठीक है। सो आप 12 से इसको डिवाइड करेंगे, और अगर आप 12 से इसको डिवाइड करते हैं तो 12 सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो, किसी चीज़ के लिए भी डिवीजन के लिए आसानी हो। सो 2 6 12, 2 2 और 2 1 21 आ गया। अब इसको हम जो है सिंपली डिवाइड करते हुए रिजल्ट निकाल सकते हैं 21 अंदर, ठीक है। और इसके बाद 6 यहाँ पर आ जाएगा, 6 3 कितना होता है भाई 18, 3 बच गया, ठीक है। इस तरीके से पॉइंट लगा दिया हमने, यहाँ 0 आ गया तो 3 5 30 होता है, ठीक है जी। तो अब हम कहते हैं कि इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं 3.5, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएं तो आप नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करते हो विद 22.414, ठीक है। और इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करते हो कि आप जो है वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए 3.5, आप मरेंगे करेंगे क्या कि आप 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 22.414 dm³, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद रिजल्ट आएगा, आपने बिल्कुल मेंशन किया है 78.449 है, ठीक है। तो बहुत जबरदस्त भी आप लोग साथ साथ फौरन फौरन से कैलकुलेट करते हो और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा मैं आपको बताऊं कि फर्दर हम इसे आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पर आप लोगों ने खुद भी ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी, जी सर फेडरल बोर्ड से कोर्स डिफरेंट है, जी बिल्कुल डिफरेंट है ये कोर्स थोड़ा सा फेडरल बोर्ड से, लेकिन ये है कि टॉपिक्स ऑलमोस्ट वही हैं कि जो फेडरल बोर्ड के अंदर शामिल हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है यहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है जी। अच्छा अब आपने यहाँ पर देख लिया, अब आपने देखा कि अगर लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि जी मेरे पास अगर 12 ग्राम ऑफ कार्बन हो, ठीक है, तो हम कहते हैं कि जी वो वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करेगा ये 22.414 dm³ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास क्या हो भी 98 ग्राम्स ऑफ H2SO4 हो, ठीक है, हम कहते हैं ये भी क्या करेगा, ये भी 22.414 dm³ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। अब देख सकते हैं कि इवन के साइज में भी डिफरेंस है, ठीक है, और इसके साथ साथ जो मैस हम ले रहे हैं उस पर भी डिफरेंस है, लेकिन फिर भी ओवरऑल कंपाउंड जो है वो सिमिलर काइंड ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। रीजन क्या होती है मैं आपको बताऊं कि जब भी हम बात करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड का जो वॉल्यूम होता है इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, एंड द प्रोवाइडिंग कंडीशंस, ठीक है। कभी भी कंपाउंड का जो वॉल्यूम है इट नेवर डिपेंड्स अपॉन द मैस एंड द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। मैस और साइज पे डिपेंड नहीं करता, किसी भी कंपाउंड का जो मैस जो वॉल्यूम है इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मैं यहाँ राइट कर देता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। सो मैं फर्स्ट राइट करूंगा इसका क्वेश्चन और इसके बाद इसका आंसर आप लोगों के लिए यहाँ मैंशन करूंगा आपकी वाइट बोर्ड। जी तो मैंने आप लोगों से एक बात कही कि क्वेश्चन हमारे पास क्या बन सकता है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 24 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम एंड लेट्स सपोज 98 ग्राम ऑफ H2SO4 have same volume why? तो ये वो आपसे पूछ सकता है कि भी देखो इनका मैस भी डिफरेंट है इन तमाम कंपाउंड्स का, यानी देखो मैग्नीशियम का मैस हम कुछ और ले रहे हैं, कार्बन कुछ और है, सल्फ्यूरिक एसिड का हम कोई और मैस ले रहे हैं, ठीक है, मैस भी वेरिएशन इनके अंदर आ रही है, आप साइज भी देख सकते हैं कंपाउंड का टोटली डिफरेंट है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो हम कहते हैं कि वॉल्यूम कैसे सेम हो सकता है, हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ size of molecule and
एंड ऑल्सो मैस ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे और मैस ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं करता, इट ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस थिंग, यानी दीज थिंग्स. ठीक है, इन चीजों के इंडिपेंडेंट होता है ये. ठीक है जी, डिपेंड पे करता है वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है ये. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, ये कभी भी पार्टिकल के साइज या जो उसका मैस है इस पे डिपेंड नहीं करता. ये शॉर्ट क्वेश्चन है, एग्जैक्टली बिल्कुल ये शॉर्ट क्वेश्चन है सर, पेज 17 पे ये नहीं है. देखो पेज नंबर कहाँ है हम इस वक्त भाई, पेज नंबर 17 पर जो फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, उसमें इसने लिखा हुआ है कि एज द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर 300 टाइम्स, ठीक है जी, आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर 300 टाइम्स एज कंपेयर टू देयर डायमीटर. ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसी बुनियाद पर हम कहते हैं कि जो सब्सटेंस है अगर चाहे उनका मैस डिफरेंट हो, उनका साइज मॉलिक्यूल का डिफरेंट हो, फिर भी वो सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं. क्वेश्चन पूछे शाबाश जल्दी से, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताएं. और यहां पर लास्ट पैराग्राफ में उसने यही लिखा हुआ है कि अगरचा डिफरेंट कंपाउंड्स का मैस डिफरेंट होता है, ठीक है, उनके मॉलिक्यूल का साइज डिफरेंट होता है, फिर भी हम कहते हैं कि वो सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं. रीजन क्या है कि कंपाउंड के अंदर मौजूद जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, 300 टाइम्स एज कंपेयर टू दियर डायमीटर जो है डिस्टेंस होता है इनके दरमियान. इसीलिए हम कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एनी सब्सटेंस ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ मॉलिक्यूल एंड द मैस ऑफ मॉलिक्यूल एंड द मैस ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, एंड डिपेंड्स अपॉन दिस ओनली नंबर ऑफ मोल्स. क्लियर हो गया आप लोगों को? हो जाएगी उजैर, आप कॉल करेंगे तो आपको कॉल मिल जाएगी और आप बात कर पाएंगे. जबरदस्त भी, बहुत अच्छे सर, ये क्या आंसर है प्लीज समझ नहीं भी क्या क्वेश्चन आपने पूछा है यहां पर, किस चीज का आंसर है ये? इस क्वेश्चन का आंसर है, ये शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है. ठीक है, आज के काउंसलिंग की क्लास नहीं हो रही है, क्लास होनी है बिल्कुल बिलाल. ये क्लास आपकी जो होगी वो 7 बजे होगी. ठीक है, 7 बजे आपकी कैरियर काउंसलिंग की क्लास है. सर इट्स मीन 1.08 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 88.80 ग्राम्स ऑफ क्रोमियम, ठीक है, द सेम वॉल्यूम एग्जैक्टली बिल्कुल मोमिना, अगर दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम है तो इट विल कैरी द सेम वॉल्यूम. ठीक है, मैं देख लेता हूं उनको, अगर ये डिस्टर्ब कर रहे हैं तो फिर हम इनको ब्लॉक कर देंगे. ठीक है, आप बेफिक्र रहें, आप बेफिक्र रहें, इनको हम ब्लॉक कर देंगे. साइज इंक्रीज देन वॉल्यूम इंक्रीज इन सिंपल. देखो मैं बताऊं कि अगर आप साइज की बात करते हो तो साइज मैटर नहीं करता, क्योंकि पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है. ठीक है, इसी बुनियाद पर हम कहते हैं कि साइज मैटर नहीं कर रहा होता. ठीक है भाई, सर जी पिछला संडे मैसेंजर पर बात की थी और आपने कहा था कि तुम्हें जल्दी ही बताएंगे. अच्छा, देखो फिर वो ये है कि संडे मैंने पिछले आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया होगा, कल मैं दे पाऊंगा. ठीक है, नहीं मैं देख पाया ना आप लोगों के मैसेजेस नहीं देख पाया. ठीक है, तो कल इंशाल्लाह टाइम मिलेगा, जरूर मैं आप लोगों के मैसेजेस देख लूंगा. बाकी अरूज आपको मैंने नंबर प्रोवाइड कर दिया है, आप डायरेक्टली तौर पे उस नंबर कॉल करके भी कंफर्मेशन ले सकते हैं किसी भी तरह की. ठीक है भाई, अच्छा ठीक है रूज, मैं देख लूंगा इसको दोबारा से, फिर उसके बाद बताते हैं आपको. ठीक है जी, टेक अ साइड, जल्दी से आपने लेंगे जो है वो क्या कहते हैं स्क्रीन शॉट लेना है, जल्दी से आप लेंगे. हाँ नहीं, अच्छा तो जल्दी से ले लें स्क्रीन शॉट, नंबर रिपीट कर दें भी, नंबर तो इस वक्त आप पास चैट में भी आया था, वहां से आपने नोट करना था. अच्छा आगे चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं. ठीक है जी, नेक्स्ट कुछ बात कर लेते हैं आगे.
अच्छा देखो, अभी तक हमने मोलर वॉल्यूम, मोलर कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ मोल्स वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, और एवोगैड्रोस नंबर वाला कॉन्सेप्ट सीखा, पर हाँ ठीक है, और इससे मुतालिक हमने इन्फॉर्मेशन गेट कर ली है, ठीक है। अब उससे आगे चलते हैं, हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है, ठीक है, एग्जांपल नंबर 10 है, ठीक है। अगर आप इस पर जरा गौर करें, अ वेल नोन आइडल गैस इज इंक्लोज इन अ कंटेनर हैविंग वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब एट एसटीपी कंडीशन, इट्स मैस कम्स आउट टू बी 0.72 ग्राम्स, वट इज द मोलर मैस ऑफ दिस गैस। तो आपने सिंपली इसको जो है कैलकुलेट करना है, ये बहुत सिंपल, जैसे आपको मैंने बताया था कि पहले आपके पास जो है मैस, अगर जब भी किसी कंपाउंड का आपके पास गिवन हो, आप उस मैस से सबसे पहले तो आपने करना ये होता है कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं। जब आपके पास किसी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएं, ठीक है, तो आप करेंगे ये कि आप उन नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू उसका मैस कैलकुलेट करेंगे एट एसटीपी कंडीशन। ये पेज नंबर 17 है। अगर आप अरीबा इसका इसकी स्टेटमेंट पढ़ लें, इसकी स्टेटमेंट विवादे में लिखा हुआ है कि हमारे पास 0.72 ग्राम है कंपाउंड का, ठीक है, उससे आपने क्या करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। और आपको बताया गया है कि एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम भी वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो कि इस समय 500 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है जी। सो जल्दी से जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं, और इसके थ्रू हम करेंगे ये कि इसके थ्रू जो है हम मैस निकालेंगे, ठीक है, मैस जो है कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आपको कहा क्या गया है, व्हाट इज द मोलर मैस, तो मोलर मैस आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है भाई। जल्दी से करते हैं, एग्जाम्पल नंबर ये 10 है। आपको करना यह है, क्योंकि आपने मोलर मैस कैलकुलेट करना है कंपाउंड का, आपको पता ही नहीं कंपाउंड क्या है, ठीक है, और ना ही उसका मैस प्रोवाइड किया गया है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, सबसे पहले आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, और यहां पर जो है आपको वॉल्यूम प्रोवाइड किया हुआ है सब्सटेंस का, तो आप उस वॉल्यूम को यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि देखो आपके पास मैस मौजूद है कंपाउंड का, लेकिन कंपाउंड ही क्लियर नहीं है कि कंपाउंड क्या है, कार्बन लिया हुआ है, मैग्नीशियम लिया हुआ है, या कोई और कंपाउंड है, क्योंकि कंपाउंड क्लियर नहीं है, तो आपके पास एटॉमिक मैस या मॉलिक्यूलर मैस है नहीं। जब ये है नहीं, तो आप इस तरीके से नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट आप नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो कैसे करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते भी हैं कि अगर हमारे पास 22.414 डीएम क्यूब वॉल्यूम हो, ठीक है, आप इसको वैसे कन्वर्ट भी कर सकते हो, आप ये बात जानते हो कि आप डीएम क्यूब को आप जो है सिंपल सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो। आप जानते हो ना भाई, वन डीएम क्यूब किसके कुल होता है, किसके कुल होता है, वन डीएम क्यूब हम कहते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब के कुल होता है, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के कुल होता है, ठीक है, वन डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और अगर हमारे पास डीएम क्यूब में हमारे पास वैल्यू हो 22.414 डीएम क्यूब, तो हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू क्या आएगी, हम कहते हैं जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दिस वन, तो बन जाएगा 22414 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। सो हम ये वैल्यू यानी इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास फार्मूला के नहीं, जो स्टेटमेंट है उसमें जो यूनिट इस्तेमाल किए हुए हैं वो सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है, तो इसी का हम इस्तेमाल करेंगे, इसी यूनिट को हम आगे लेके चलेंगे, ठीक है भाई। तो हमने क्या करना है, हम कंपेरिजन करेंगे, उसके थ्रू हमने कैलकुलेशन करनी है। हम कहेंगे कि अगर हमारे पास 414 सेंटीमीटर क्यूब अगर हमारे पास वॉल्यूम हो, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम एट एसटीपी, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास कितनी क्वांटिटी गेन करता है, हम कहते हैं ये 1 मोल का होता है। अगर हमारे पास सब्सटेंस 1 मोल है तो वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अगर वॉल्यूम इतना नहीं होता, अगर वॉल्यूम हमारे पास आ जाता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 1/22414, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है जी। और चूंकि हमारे जो स्टेटमेंट है बुक की, ठीक है, इसमें जो वॉल्यूम हमें प्रोवाइड किया गया है वो 500 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, वॉल्यूम जो प्रोवाइड किया गया है वो 500 सेंटीमीटर क्यूब है, तो हम करेंगे क्या कि हम लिखेंगे 1/22414, ठीक है, इनटू 500 आप कर दोगे, इसको सॉल्व करते आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, आप उन नंबर ऑफ मोल्स का इस्तेमाल करते हुए मोलर मैस कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपकी बुक में इस वक्त लिखा भी हुआ है, आपने इसको कैलकुलेट भी किया होगा, ये अराउंड है 0.0223, ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स किसके आगे भी, अगर हमारे पास वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब हो तो इतना वॉल्यूम सब्सटेंस का होता है। और आपको मैंने बताया हुआ है ना, मोल किसके कुल होते हैं,
नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं मैस ओवर मोलर मैस के, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं मैस ओवर मोलर मैस के। आपको ये भी पता है, अभी आपने कैलकुलेट कर ली है मोल्स, ठीक है जी। आपको मैस भी पता है, आपने मोलर मैस कैलकुलेट करना है, तो आप लिखेंगे मोलर मैस इक्वल टू मैस ओवर मोल्स, ठीक है, मैस ओवर मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। सो मैस हमारे पास क्या होता है भाई, मैस अभी आपने देखा हमारी स्टेटमेंट में मौजूद है, जीरो पॉइंट कितना है यहां पर भाई, 0.72 है। मोल्स अभी आपने कैलकुलेट किए जो कि थे 0.00223 था, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इससे आपके पास मोलर मैस आ जाएगा। और ये कितना बन रहा है भाई, ये बन रहा है 32 ग्राम पर मोल जी। तो बताएं कोई कंफ्यूजन अगर आपके जहन में है, कोई मसला है तो आप पूछें जल्दी से, शाबाश। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, तो फिर हम अपने इस क्लास को खैर आबाद कहेंगे और आपसे शाम में मुलाकात करेंगे कैरियर काउंसलिंग सेशन के अंदर। तो बताएं यहां तक कोई भी कंफ्यूजन है मुझे क्लियर करें ताकि हम आगे चल सकें। ठीक है भाई, ठीक है आयशा, कोई मसला नहीं है। अच्छा टाइम कैसे थ्री क्लासेस दूंगी, ये देखो आपको अगर क्लासेस देनी है यहाँ पर फिर तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं तो मतलब देखो, अगर आप वर्डन है तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा, अगर आपने लेनी है तो फिर तो मैनेज करना पड़ेगा ना। कैलकुलेशन ऑफ थियोरेटिकल यील्ड, ये हमारे टॉपिक है पेज 17 पे। ये कैसे हो गया भाई, इधर आपकी बुक कौन सी है सर, प्लीज हेल्पलाइन नंबर बता दें। तो वो हेल्पलाइन नंबर आपको बताया था 0300888550, ठीक है।